नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं राजस्थान CHO भर्ती के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर, दूसरी आंसर की कब तक आएगी, और जो ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे थे वो ऑब्जेक्शन के नंबर क्या उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था, या उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, और कितने कम परसेंट पर भी आपका चांस बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके कम भी परसेंट आए तो भी आपका नंबर आ सकता है, और वो कितने नंबर हैं और रिजल्ट कब तक आएगा। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही लगभग सबके स्टूडेंट के डाउट रहता है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नर्सिंग स्टाफ से रिलेटेड और CHO भर्ती 2020 से लेटेस्ट न्यूज़ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राजस्थान CHO भर्ती दूसरी आंसर की 26 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है कि 26 दिसंबर को आंसर की आएगी। जी हाँ दोस्तों, मेरी जानकारी के अनुसार मैंने कुछ आगे पता लगाया है कि आंसर की 26 दिसंबर तक आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, उसमें संशोधन भी होगा आंसर की में, और आपके 7-8 नंबर भी बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसने भी ये एग्ज़ाम दिया था CHO को, इसके 7-8 नंबर भी बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 7-8 नंबर आपके बोनस अंक मिल सकते हैं। बड़ी खुशखबरी, इस दिन आएगा रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं बताऊंगा कि किस दिन आएगा रिजल्ट, एक महासर्वे के बाद। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक सर्वे किया था, उस सर्वे के बाद मैं आपको एक सटीक कटो बता रहा हूँ, एक बड़ा ही सर्वे के साथ मैं आपको कटो बता रहा हूँ। तो दोस्तों, कटो देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, कटो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले कटो बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कटो बताऊँगा आपको जनरल की। जी हाँ दोस्तों, जनरल की कटो बताएंगे, सबसे पहले आपको जनरल की कटो बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जनरल की कट ऑफ देखने के लिए, जनरल की कट ऑफ आपकी रह सकती है दोस्तों 70 से रह सकती है 75। और कई दोस्त पूछ रहे हैं कि सर, मेल और फीमेल की क्या कट ऑफ रहने वाली। दोस्तों, चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों की एक ही कट ऑफ रहेगी। जी हाँ दोस्तों, चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों की एक ही कट ऑफ रहेगी, 70 से 75 जनरल की रहने वाली है। अब दोस्तों, आगे चलते हैं OBC की कट ऑफ। यहाँ दोस्तों, OBC की क्या कट ऑफ रहने वाली है, OBC की कट ऑफ क्या रहने वाली है। OBC कट ऑफ रहेगी आपके 66% से। जी हाँ दोस्तों, मैं परसेंट के अनुसार बता रहा हूँ, नंबर के अनुसार नहीं बता रहा, परसेंट के अनुसार 70 से 73। जी हाँ दोस्तों, 70 से 73 रहने वाली है OBC की कट ऑफ। तो दोस्तों, आगे चलते हैं, अगली देखते हैं हम SC की। जी हाँ दोस्तों, एक सटीक और 100% सटीक की ये कट ऑफ है, इससे नीचे तो आपकी 100% भी नहीं रहेगी, और इसके आसपास ही आपकी रहेगी। SC की कट ऑफ रहने वाली 60 से 65। जी हाँ दोस्तों, 60 से 65 SC की रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 60 से 65% SC की रहेगी। और जिन दोस्तों ने भी ये कट ऑफ एग्ज़ाम दे के आए हैं, वो अपने नंबर, जितने नंबर बन रहे हैं, परसेंट बन रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, अपनी राय जरूर देना। आगे देखते हैं दोस्तों, हम SC की कट ऑफ, ST की कट ऑफ रहेगी दोस्तों आपके 58 से 62। जी हाँ दोस्तों, 58 से 62 आपकी कट ऑफ रह सकती है, कट ऑफ लो ही रहेगी, और देखा जाए तो दोस्तों हाई भी है थोड़ी बहुत कट ऑफ, पर देखते हैं आगे क्या कट ऑफ रहती है। ओरिजिनल तो ऑफिशियल कट ऑफ ही मान्य होगी, और ईडब्ल्यू एस की कट ऑफ रह सकती है आपकी 68 से 71। जी हाँ दोस्तों, 68 से 71 आपकी ईडब्ल्यूएस की रह सकती है। अब दोस्तों, हम देखते हैं एमबीसी की कट ऑफ रहने वाली है। MBC की दोस्तों, ये OBC के बराबर ही कट ऑफ रहती है इसकी ज़्यादातर, और दोस्तों आपको बता दें कि मेल और फीमेल की कट ऑफ दोनों की बराबर है। तो दोस्तों, इसकी रहेगी 65 से 72, 65 से 72 रहने वाली है। तो दोस्तों, यही था वीडियो, और वीडियो आप मैंने आपको सारी कट ऑफ बता दी, और ये TSP और नॉन TSP के देखा जाए तो दोस्तों कट ऑफ में इतना अंतर नहीं रहेगा, क्यों दोस्तों, बहुत ही कम अंतर रहेगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।